21 साल की युवती ने अपनी आत्महत्या की झूठी कहानी रचकर 2 दिन तक पुलिस को काफी परेशान किया। बाद में युवती अपने दोस्त के आर्यन खान के साथ राजस्थान के चित्तौड़ में पाई गई। वहीं दोनों को मंदसौर लाया गया। जानकारी के अनुसार युवती ने पिता को सूचना दिलवा दी कि वे नदी में कूद गई, जिसके बाद उन्होंने थाने में मामले की रिपोर्ट दी। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस रात भर लड़की को ढूंढती रही, लेकिन लड़की नहीं मिली। उसके बाद पुलिस अगले दिन दूसरे एंगल से जांच आगे बढ़ाई, जिसमें सामने आया कि लड़की अपने दोस्त के साथ राजस्थान के चित्तौड़ में है, जहाँ से पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर मंदसौर पहुंची है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी है। 28 जनवरी को मंदसौर कंट्रोल रूम द्वारा एक सूचना प्रसारित की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि कालाभाटा डैम के पास एक स्कूटी लावारिस स्थिति में खड़ी हुई है और किसी युवती ने पानी में छलांग लगा दी। उस सूचना पर थाना नई आबादी के थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। यह तथ्य खुलासा हुआ है कि युवती ने पुलिस को गुमराह किया, मिथ्या परिस्थितियां गढ़ी और यह सूचना दी कि वह पानी में कूद गई है ताकि किसी को शक शंका ना हो और वह अपने प्रेमी के साथ जा सके, अपने मित्र के साथ जा सके। उसी को दस्तयाब करके अभी आगे की पूछताछ की जा रही है।